हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय के अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और यह प्रश्न बैंक में से क्वेश्चन है जो कि बोर्ड द्वारा जारी की गई, और इसी में से क्वेश्चन आएंगे। यह अध्याय बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से 3 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप इन प्रश्नों की तैयारी कर लोगे तो आपको 3 अंक पूरे प्राप्त हो जाएंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। तो इसका उत्तर आएगा हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय पर्वत। इसके बाद अगला है, उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाए जाने वाली मिट्टी। उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। अगला है, निम्न हिमालय व शिवालिक पर्वत के बीच की घाटी को कहते हैं। तो निम्न हिमालय और शिवालिक पर्वत के बीच की घाटी को कहते हैं दून घाटी। ठीक है, दून घाटी कहते हैं। अगला है, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है? हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। इसका अगला है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी। ठीक है, अनाई मुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक के लिए 1 अंक। तो इसमें पहला प्रश्न है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर। तो विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ऑप्शन दे रखे हैं 2, माउंट एवरेस्ट या नंगा पर्वत। तो इसका उत्तर आएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसके बाद अगला है, शिमला मसूरी नैनीताल नगर है। तो कैसे नगर है ये? पर्यटन। ठीक है, पर्यटन के लिए नगर है शिमला मसूरी और नैनीताल, पर्यटन नगर है। इसके बाद अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है उत्तरी मैदान। ठीक है, उत्तरी मैदान जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का। ठीक है, चिल्का झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप से बना है। तो लक्षद्वीप जो है प्रवाल से बना है। ठीक है, प्रवाल से बना है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है, एक शब्द में उत्तर देना हमें। तो इसमें पहला प्रश्न है, एक स्थली भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? एक स्थली भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे उसे हम। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय मरुस्थल यहाँ पे पूछा है, भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी लूनी नदी। लूनी, ठीक है, लूनी नदी है जो भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी। ठीक है, इसके बाद अगला है, 5 नदियों के प्रदेश को क्या कहते हैं? तो 5 नदियों के प्रदेश को कहते हैं पंजाब। ठीक है, पंजाब, 5 नदियों के प्रदेश को क्या कहते हैं? पंजाब। इसके बाद अगला है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, किन्हीं 2 भू आकृतियों के नाम लिखिए। तो किन्हीं 2 भू आकृतियों के नाम है? हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, ठीक है, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल। तो इनमें से किसी भी 2 के नाम लिखने हमें, तो हम लिख देंगे हिमालय पर्वत और उत्तरी मैदान। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर चौथा है, सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य बताना हमें। तो इसमें पहला है, हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। तो यह सत्य है, यह कथन सत्य है कि हिमालय की सबसे लंबी जो श्रृंखला है उसे शिवालिक कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2 आप का अर्थ नदी की प्रारंभिक अवस्था से है। तो यह असत्य है, गलत कथन है यह। इसके बाद अगला है, नम एवं दलदली क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है। तो यह सत्य है, क्योंकि नम और दलदली क्षेत्र जो है उसे तराई क्षेत्र कहा जाता है।
इसके बाद अगला है दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। दक्षिण का पठार जो है त्रिभुजाकार भूभाग है, यह भी सत्य है। इसके बाद है उदंग मंडलम, जिसे कोडई कनाल भी कहते हैं, ठीक है, उदंग मंगलम जिसे कोडई कनाल भी कहते हैं, तो यह सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। यहाँ सही जोड़ी बनानी हमें, तो पहला जो है माउंट एवरेस्ट जो है 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद है कंचनजंगा, तो यह भारत का है। इसके अगला जो है माजोली जो है नदी द्वीप है, ठीक है, नदी द्वीप है। चौथा जो है बरखान जो है बालू का टीला, उसे बरखान कहा जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरेन द्वीप में स्थित है। और अगला है दक्षिण का पठार जो है उत्तर कचार पहाड़ी, ठीक है, उत्तर कचार पहाड़ी पे है। तो इस प्रकार ये अध्याय दो के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।